الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب
रब्बी शराहली सदरी व यसरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम वबिवजहिल करीम वसुल्तानिल कदीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। वकालन नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा इन्नल्लाहा वमलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी। बेशक अल्लाह ताला और उस दे फरिश्ते युसल्लूना अलन्नबी दरूद भेजते ने ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। तुसी भी दरूद भेजो ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और सलाम। वकालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया वाहिदतन जिसने एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पाक पढ़िया सल्लल्लाहु अलैहि अशरा तो अल्लाह ताला उस पढ़न वाले उते अपनियां दस रहमतां नाजल फरमांदे ने। अल्लाह सुबहानहु व ताला दी हमदो सना दे बाद बेशुमार अनगिनत ला तादा दरूद व सलाम आकाए दो जहां सरवरे कौनो मकां पैगंबर जमां साहिब कुरान इमामुल कुल खत्मुर रसुल इमामुल अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी जाते तय्यबा ताहिरा ते होन। बरादरान इस्लाम, मैं जो इस वक्त कुरान पाक दी एक आयत बातरजमा अपनी गुनागार जुबान नाल तुसा अहबाब दे पेश खिदमत की है, इस आयत दे अंदर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने एक बड़ा अहम मसला बयान फरमाया है। मसले सारे ही अहमियत दे हामिल होंदे ने, लेकिन कुराने पाक दे उसलूब और उसूल तो पता चलता है कि इस मसले दे मुतालिक कुराने पाक अंदर मेरे अल्लाह दा हुक्म जुदा और यगाना है। तो भाइयो, अल्लाह ताला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी शख्सियत और जात नू उम्मत दे हक अंदर इतना शफीक और मुशफिक और मेहरबान बनाया है कि हर मुकाम उते जिंदगी दे हर मौके उते मेरे प्यारे नबी ने अपनी उम्मत दी खैरखाई दा दर्द अपने दिल विच रखिया है। जिदियां बेशुमार मिसालां अहादीस पाक अंदर भी मौजूद ने और कुराने पाक अंदर भी मौजूद ने। मालिक कायनात ने अपनी सच्ची किताब कुरान पाक दे 11वें सिपारे सूरत तौबा दे आखर उते इरशाद फरमाया, अजीजुन अलैकुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत दे गम अंदर, उम्मत दे दुख और दर्द अंदर इतने हरीस ने कि हमा वक्त मेरे मुर्शद दे ए तबीयत और आदत और ख्वाहिश है कि मेरे अल्लाह मेरी सारी उम्मत जहन्नम तो बच के जन्नत जान वाली बन जाए। हत्ता के मालिक कायनात ने नबी रहमत दा ए लालच और हिरस वेख के कुरान पाक अंदर इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किते इन्ना पिछे लाके तुसी अपने आप नू परेशानी विच मुबतला न कर लेना। तो हजरात, फिर देखना इते कुराने पाक हदीस पाक विच आंदा है, जगां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम जदों मिराज वास्ते आसमान ते तशरीफ ले गए, मेरे अल्लाह ने नबी रहमत नू 50 नमाजां दा तोहफा अता कीता और छठे आसमान उते हजरत मूसा कलीमुल्लाह नाल मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हजरत जी, तुसी ते 50 नमाजां बा आसानी अदा कर सकोगे, लेकिन तुहाडी उम्मत अंदर इन्नी हिम्मत ते ताकत नहीं कि वह 50 नमाजां एक दिन अंदर अदा करन। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे मशवरे उते प्यारे नबी फिर दोबारा बारगाह इलाही अंदर हाजिर होए, अर्ज की थी, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत अंदर ए ताकत ए हिम्मत नहीं, लिहाजा मेहरबानी फरमाई जाए, नमाजा अंदर तकफीफ और कमी की थी जाए।
नमाजा घट की गई। हजरत रसूल करीम फिर तशरीफ लाए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ना मुलाकात हुई, फिर दोबारा ऐसे ही बात होते इसरार होया। नबी रहमत दोबारा फिर अल्लाह की बारगाह अंदर तशरीफ लाए, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, चार पाँच सत दफ़ा नहीं, बल्कि नौ दफ़ा नबी रहमत उम्मत दी परेशानी नू ख़त्म करने वास्ते बार बार अल्लाह दी इबारगाह अंदर तशरीफ लांदे गए ते तकफीफ दा मुतालबा करदे गए। पंजावां तो पंज नमाजा रह गई। पता की चलदा है कि नबीए रहमत नू उम्मत दा इन्ना गम है, उम्मत नाल इन्ना प्यार है, उम्मत नाल इन्नी अकीदत और मुहब्बत है कि मेरी उम्मत मुश्किल विच ना पै जाए। बल्कि एक हदीस विच ये अल्फाज ने, एक दिन नबीए रहमत अलैहिस्सलाम नमाज इशा दे वक्त लरा लेट तशरीफ लाए, सहाबा मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा ने, सफा अंदर बैठे ने, इंतजार करन डे ने कि कायनात दे इमाम आन सानू नमाज पढ़ान। रात का काफ़ी सारा हिस्सा बीत चुका है। सैयदना हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो नबी रहमत की खिदमत विच आए, अर्ज करते ने आका हुण ते नींदर की वजह नाल साडियां ठोडियां सीनियां ना लग गई ने, और प्यारे नबी नींदर गालिब आ गई है, तो रहमत कायनात जी नमाज पढ़ा दीजिए। प्यारे नबी तशरीफ लाए, तकबीर हो गई, मुसल्ला इमामत ते हजूर तशरीफ फरमा ने, और मेरे मुर्शद ने अपने तमाम सहाबा दे विच खड़े होके इरशाद फरमाया। आका फरमांदे ने लौला अन अशुका अला उम्मती ला अमर तो हम बेताखीर लेशाए असवा को इंदा कुल सलात। आका फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबा, लफजां ते गौर करिया जे, लौला अन अशुका अला उम्मती। आका फरमांदे ने अगर मैं अपनी उम्मत ते मुश्किल ना समझदा, अपनी उम्मत ते मुशक्कत ते दिक्कत ना समझदा, ला अमर तो हम बेताखीर लेशाए, मैं हुक्म कर देंदा, आर्डर कर देंदा कि नमाज इशा दा आई वेले, ऐस वेले तुसी नमाज इशा अदा करनी है। मैं समझना ये उम्मत नू मुश्किल विच पाउण वाली गल है, लिहाजा मैं तुहानू हुक्म ते आर्डर देना तुसी नमाज इशा अव्वल वक्त विच अदा कर लिया करो, नमाज इशा पहले टाइम नाल अदा कर लिया करो, एक गल ते दूजी। आका फरमांदे ने असवा को इंद कुल सलात। आका फरमांदे ने मैं अपनी उम्मत ते अगर मुश्किल ना समझदा ते मैं हुक्म दे देंदा कि हर वुजू ना मिसवाक जरूर करया करो। फरमाया लेकिन मैं समझना मेरी उम्मत जे मैं हर वुजू नाल मिसवाक दा हुक्म दे दिया बड़ी मुश्किल विच पै जाएगी, मुशक्कत विच पै जाएगी, ते मैं अपनी उम्मत नू मुश्किल विच नहीं पाना चाहुंदा, मुशक्कत विच नहीं पाना चाहुंदा, अपनी उम्मत ते बोझ नहीं पाना चाहुंदा, ते इस वास्ते मैं हुक्म देना मिसवाक कर जरूर लिया करो, अगर मुयसर होवे ते हर वो जोनल कर लिया करो, या कम अज कम नमाज फजर वक्त कर लिया करो, या कम अज कम मगरब ते इशा वक्त कर लिया करो। यानी उम्मत नू तरगीब दीती है, मुश्किल विच नहीं पाया, ते जिन्नियां रहमतां
जिन्निया मेहरबानियां जिन्निया शफकतां जिन्निया बरकतां अल्लाह ने मेरे नबी दे सीने विच रखियां ने। और एक होर हदीस है आमीनम दे लाल फरमांदे ने अल्लाह ने हर नबी नू एक दुआ दिती है, उस दुआ दे जरिए ओ पैगंबर भावें अपने लिए दुआ मंग लवे भावें अपने उम्मतियां लिए दुआ मंग लवे अल्लाह उस दुआ दी बरकत नाल उस दुआ नू शर्फे कबूलियत अता करनगे। फरमाया सारे नबिया ने ओ दुआ इस्तेमाल कर लईए, ओ दुआ अपने अपने हक अंदर या अपने उम्मतियां दे हक अंदर मंग लईए। आका फरमांदे ने लेकिन ओ जेड़ी अल्लाह ने खास दुआ हर नबी नू दिती है एक दुआ अल्लाह ने मैनू भी अता फरमाई है लेकिन ओ दुआ मैं अपनी जिंदगी अंदर इस्तेमाल नहीं कीती। मेरे ते बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए बड़े बड़े तंग हालात आए ताइफ वालियां पत्थर मारे मक्के वालियां मजनून ते दीवाना होण दे ताने दिते मक्के वालियां मेरे ते गंदियां उजरियां रखियां गल पा के कपड़े पाए ते बाजारां दे अंदर परेशान करन दियां कोशिशां कीतियां। अल्लाह दे पाक नबी फरमाया कर दे फरमाया मेरी बेटी ज़ैनब नूं इन्हां ने जे मार परेशान कीता इन्हां मेरे बिलाल नूं ततियां रेतां ते लटाया बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए लेकिन ओ दुआ मैं इस्तेमाल नहीं कीती बल्कि ओ दुआ नूं मैं ज़खीरा करके रखे है। आका फरमांदे ने ओ मैं क़यामत दे दिन दुआ करांगा कि अरशां वालिया मेरी उम्मत नूं माफ कर दे जिन्ना तेरे नाल शिरक नहीं कीता। क़याम फरमाया मेरा हर उम्मती जिन्ने अल्लाह नाल शिरक नहीं कीता ओ मेरी दुआ उन्हूं जरूर नफा पहुंचाएगी। मेरे अल्लाह ने नबी पाक दे सीने विच उम्मत दा इन्ना दर्द रखिया है इन्ना प्यार मेरे नबी दा अल्लाह ने अपने बंदियां दे मुतालिक अपने नबी दे सीने में रखे है इन्ने एहसान होण इन्ना इज्जत वाला इन्ने मुकाम वाला इन्नी बुलंदी वाला जेड़ा नबिया दा वी इमाम है ते अल्लाह उम्मतियां नू की हक है। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। फरमाया एडा इज्जतां वाला नबी इन्नियां शानां वाला पैगंबर इन्ने बुलंदी ते मर्तबे वाला नबी फरमाया इन्नी शान अल्लाह ने दिती है। फरमाया उम्मतियों तुहाडा हक बनदा है ऐसे नबी दी जात पाक उत्ते हर वेले दरूद पढ़ते रहा करो ऐसे पैगंबर दी अजमत इज्जत वास्ते हर वेले अल्लाह दे सामने दरूद पढ़ के उन्हां दी इज्जत ते बुलंदी दी दुआ करते रहा करो। ये एडा बरकत वाला काम ने ये एडा इज्जत वाला काम ने ये एडी रहमत बरकत वाला मामला है। रब फरमांदे ने वेखो मेरे रब दा अंदाज है ना अल्लाह ने हुक्म दिता ओ ईमान वालो ओ नमाज पढ़िया करो हज करिया करो रोजे रखिया करो जकात अदा करिया करो ये अल्लाह हुक्म देंदे ने लेकिन अल्लाह आप नहीं करदे। मेरे अल्लाह आर्डर देंदे ने नमाज पढ़ो लेकिन अल्लाह ये नहीं आंदे मैं भी पढ़ना ते तुसी भी पढ़ो। अल्लाह कहंदे ने ज़कात दियो ये नहीं आखिया कि मैं भी देना ज़कात ते तुसी भी दिया करो।
अल्लाह ने यह आख्या हज करो, ये नहीं आख्या मैं भी करना थे तुसी भी करया करो, लेकिन यह एडा उच्चा अमल है। फरमाया इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह फरमांदे ने बेशक अल्लाह ताला अपने पैगंबर ते दुरूद भेजदे ने। हुण सवाल पैदा यह हुंदा है, अल्लाह दा दुरूद पढ़ना की है? जो असी पढ़ने यही अल्लाह पढ़ते ने? नहीं नहीं, बल्कि मुफस्सिरीन ने इनू कमाल अंदाज वे बयान किया है। फरमाते ने अल्लाह दा दुरूद पढ़ना ये वे अल्लाह अपने नबी दी शान बुलंद करते ने, अल्लाह अपने नबी दी इज्जत विच बरकतां करते ने, अल्लाह अपने नबी दी हौसला अफजाई करते ने। अल्लाह अल्लाह जुल जलाल अपने फरिश्तिया जमा करके ते अल्लाह जुल जलाल अपने पैगंबर दे हमद फतरी बयान करते ने और फरमाया मेरे अल्लाह दा अंदाज वे। अल्लाह फरमांदे ने मेरे प्यारे आ, फरमाया ला लकुम खैरुल्ला का मीना लो ओला वाला सौफा योती का रब्बो का फतरजा अलमिया जिद का यती मन फावा वाजदा का जालन फहदा वाजदा का आएलन फागना फअमली यतीम फला तकहर। रब फरमांदे ने सुनिया मैं रब रब नहीं जे आज नालों तेरी कल नू बेहतर तर बेहतर ना बना छड़िया। आज नालों तेरी कल असे बेहतर बना देंगे। अल्लाह दा प्यारे नबी दी शान विच बरकत करना, इज्जत करना, रिफत बुलंदी नू करना, ये मेरे अल्लाह दा दुरूद है। अल्लाह दे फरिश्तियां दा दुरूद की है? अल्लाह दे फरिश्ते मिल के ते रब दे सामने इल्तिजा करते ने, ये साडे यार मालिका, ये साडे यार खालिका, ये साडे यार राजका, साडे प्यारे नबी दी इज्जत विच अल्लाह होर बरकत अता कर दे। अल्लाह साडे नबी दे शान वे होर ज्यादा इज्जत अल्लाह ते बुलंदियां ते बरकतां अता कर दे। ये फरिश्तियां दा दुरूद है। तेरा फरमांदे नहीं आ अय्यो हल्लज़ीन आमनु ए ईमान वालो सल्लो अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। फरमाया ए ईमान वालो तो आड़ा भी हक बंदा है के तुसे अल्लाह दुल जलाल दे पैगंबर दी जात उते दुरूद पाक कसरत नाल पढ़ते रहा करो। और हजरत अनस बिन माले रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते ने, रहमते कायनात अलैह सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया, आका फरमांदे ने मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन। जेड़ा खुश नसीब बंदा एक दफा नबी रहमत दी जात पाक उते दुरूद पाक पढ़ लैंदा है। फरमाया अशरा सलावातिन अल्लाह दी तरफों ओदे ते दस रहमतां दा नजूल हो जांदा है। दुरूद एक दफा पढ़िया एक दफा ते रब दियां रहमतां किन्नियां, ओ बोलो किन्निया रहमता। दुरूद एक दफा एडा बरकत वाला अमल है। एक दफा दुरूद पढ़न दे बरकत नाल अल्लाह अपने बंदे पढ़न वाले ते दस रहमत नाजल फरमांदे ने। वहत्तत अनहो अशरा खतायातिन आमीनम दे लाल फरमांदे ने, दुरूद एक दफा पढ़िया दस रहमत नाजल हो गई ने ते दस गुना मुआफ हो गए ने। दस रहमत दस गुना मुआफ। ते मेरे प्यारे नबी अली सलाम फरमांदे ने व रोफे अत लहू अशरो दारा जाते, अल्लाह दी रहमत इन्नी है दस गुना मुआफ ते दस रहमत ते दस दर्जे जन्नत विच अल्लाह पढ़न वाले नू अता कर देंदे ने।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। फरमाया ओ लोगो, अल्लाह भी अपने नबी ते दरूद भेजते ने, तुसी भी दरूद भेजे करो और देखना एदा फायदा की होएगा। मेरे प्यारे नबी दे सहाबे सैयदना हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते ने, प्यारे नबी फरमाते ने, औलम्नासे भी औ मलके आमते अक्सरुहुम अलैया सलातन। तिर्मिज़ी शरीफ दी हदीस है, मेरे प्यारे नबी फरमाते ने, फरमाया कियामत दे दिन सब नालों ज्यादा नबी पाक फरमाते ने मेरे नेड़े ओदा मकान होएगा, मेरे नेड़े ओदा दर्जा होएगा, मेरा पड़ोस ते हमसाया ओ होएगा जेड़ा मेरे जात पाक उते दरूद ज्यादा पढ़दा है। फरमाया जे चाहते हो ना कियामत दे दिन नबी पाक अलैहि सलाम दा साथ मिले, नबी रहमत अलैहि सलाम दे हमसायगी मिले, अल्लाह दे नबी दा पड़ोस मिले, फरमाया फिर तुहाडा हक बनदा उम्मतियो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। फिर तुहाडा हक बनदा है मेरे नबी दी जात पाक उते दरूद पढ़िया करो, मेरे प्यारे नबी दी जात ते दरूद पढ़िया करो। और देखना हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हो कहंदे ने, एक दिन ना मैं नबी रहमत अलैहि सलातो व सलाम दे नाल मस्जिद नबवी अंदर नमाज अदा कीते, नमाज पढ़ के अंज मदीना पाक तो बाहर निकल पे, प्यारे नबी दे मैं भी नाल आ, असी चलते चलते प्यारे नबी एक बाग अंदर तशरीफ ले जांदे ने, अल्लाह दे प्यारे नबी अलैहि सलातो व सलाम एक बाग अंदर तशरीफ ले जांदे ने और खजूरां दा बाग है, ते मेरे प्यारे नबी अलैहि सलाम जाके ना ते अल्लाह दे हुजूर उस बाग विच सजदे विच गिर गए। फरमांदे ने एडा लम्मा सजदा मेरे प्यारे नबी ने उस बाग वे कीता, मैं समझिया सियाबी आंदे ने मैं दिल वे ख्याल कीता, इंज लगदा जिवें जगां दे पीर अलैहि सलाम रब नाल मुलाकात कर गए ने, यानी दुनिया तो तशरीफ लै गए ने, ना कोई अजा हिलदा ना मेरे प्यारे नबी दा कदम कोई हिलदा, सजदे पए ने ते प्यारे नबी अल्लाह दी हमदो सनाए बयान करते जांदे ने, साडा ते सजदा भी बेसकूनी दा सजदा है, ते मेरे नबी दा सजदा खलियां खलियां नफलां दे विच आका सारी रात लंगावे, असूरत सोनी विच सजदे दे हंजू बारश पावे, और जान अकेले उते यार ने बेले ते ऐश आराम ने कोई, इस गम अंदर हजरत कोलो फिर कजा नमाज नहीं होई, कजा नमाज जे करदा यूनस हुक्म करे रब साई, मैं पेट मछली विच कैदे रखदा रोज कियामत ताई। सहाबी आंदे ने इन्ना लम्मा सजदा आमीना दे लाल अलैहि सलाम ने कीता, ते काफी देर दे बाद मेरे मुर्शद ने सिर उठाया, सजद्यों सिर चुकया, मैं कोल बैठा सा
चेहरा गमगीन परेशान अल्लाह एक ही बने हैं। प्यारे नबी मेरे होंदिया होंदिया ही दुनिया तो तशरीफ लैगन आते ने, जिस वेले मेरे मुर्शद ने सजद्यों सिर उठाया ते अल्लाह दे नबी ने मेरा मगमूम चेहरा परेशान चेहरा खस्ता हालत मेरी वेखे ते मेरे प्यारे नबी अली सलाम वेखे मैनू पुछदे ने ओए की वजह ओए ओए मेरे प्यारे अब्दुल रहमान क्यों परेशान है, क्यों गमजद है, क्यों क्यों इतना इतना परेशान ते हजी खातर है। अर्ज करते ने आका असल वजह ए वे कि मैं तुहानू वेख के परेशान हो गया कि इन्ना लम्मा सजदा मैं तुहानू पहले कदी नहीं करदे वेख्या। अल्लाह दे नबे अज तुसा बड़ा लम्मा सजदा किया है। प्यारे नबी फरमाते ने प्यारिया मैं तेनू दसना मेरा लम्मा सजदा करम दे वजह की है। जी मेरे आका फरमाया जाए, आका फरमाते ने ए मेरे प्यारे अब्दुल रहमान अजे हुणे ही मेरी खिदमत वे जिबरीले अमीन तशरीफ ले आए सन। हजरत जिब्रील अले सला तो सलाम मेरे को आए ने ते आ के ना जिब्रील मेनू खुशखबरी सुना गया आंदा इन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यकूलो मन सल्ला अलैका सलातुन सल्लैतो अलैह व मन सल्लमा अलैका सल्लमतो अलैह। ए मेरे प्यारिया ए मेरे रब दा तेरे वास्ते तोहफा है, सुनिया सुनिया है पैगाम है अल्लाह दा मैसेज है। जी जिब्रील की पैगाम है? जिब्रील अमीन अर्ज करते ने आका मेरे रब ने तुहानू खुशखबरी सुनाई है कि जेड़ा उम्मती तुहाडा जदों तक तुहाडी जात ते दुरूद पढ़दा रहिंदा है रब दे फरिश्ते उस नेक बंदे वास्ते बख्शिश दी दुआ करते रहिंदे ने। सुनिया जेड़ा तुहाडी जात ते दुरूद पाक पढ़दा है, फरमाया अल्लाह दे नूरानी फरिश्ते उस नेक बख्त वास्ते दुआ बख्शिश ते मगफरत करते रहिंदे ने। ते जिहड़ा तुहाडे ते सलाम पढ़दा है अल्लाह दे नूरानी फरिश्ते उदों तक हटदे नहीं जदों तक वो सलाम पढ़न वाले बंदे ते सलाम नहीं भेज लैंदे। इन अल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना मनु सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। रब कहंदे ने ए ईमान वालो तुसी भी अपने प्यारे नबी ते दुरूद पाक पढ़दे रहा करो। नबी रहमत अलैहिस्सलाम दे जात पाक दे बारे हदीस पाक विच आंदा है अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मदिन व अनज़िल मकादल मुकर्रबा इंदा कयो मल कियामा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने फरमाया दुनिया दे लोगो जेड़ा बंदा मेरी जात पाक ते दुरूद पढ़ेगा कियामत दे दिन अल्लाह उन्नू मेरी हमसायगी अता करेगा, अल्लाह उन्नू मेरा गुआंडी बना देवेगा। और कुरान दे लफजां ते गौर करे अजे अल्लाह फरमांदे ने वमई उते इल्लाहा वर रसूल فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا। فرمایا اگر چاہندے ہو قیامت دے دن مصطفیٰ دا ساتھ ملے تے فرمایا پھر طریقہ हो जे मेरे प्यारे नबी दी जात ते दुरूद पाक पढ़िया करो अल्लाह तुहानू ओ ठिकाना अता करेगा। फरमाया जेड़ा मुर्शद दे नाल घर होएगा अल्लाह तुहानू नबी पाक दा गुआंडी बना देवेगा। हजरात आइए जरा गौर फरमाना, एक दिन ऐसा भी होया प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा
रहे ने और दो फरिश्ते मेरे प्यारे नबी दी खिदमत आलिया दे अंदर हाजिर होंदे ने और प्यारे नबी अली सलाम नू लैके ये दोवें फरिश्ते एक ऐसे मुकाम उत्ते तशरीफ लै जांदे ने जिहड़ा बड़ा खूबसूरत घर है। ते मेरे मुर्शद ने जाके नज़र मारी वो मकान ते महल ते बिल्डिंग ते ओ जनाब बंगला वेख्या प्यारे नबी वेख के हैरान रह गए एडा कमाल बंगला एडा कमाल महले सही अल बुखारी अंदर हदीस है। फिर मेरे प्यारे नबी नू फरिश्ते अगे लैके तुर पै अगे एक महल वेख्या जेड़ा ओदे नालों भी ज्यादा खूबसूरत है ओदे नालों भी ज्यादा वधिया है ते जिद ओदे नाल ज्यादा ओदे अंदर जेड़ा साजो समान है ज्यादा कीमती है। प्यारे नबी अले सलाम वेख के हैरान रह गए और मेरे मुर्शद ने इंज नज़र उठाई ते वेख्या एक ओदे नालों भी वधिया बंगला ते मकान बनया जिदे नाल दा बंगला ते मकान अज तक नहीं वेखण विच आया। मेरे प्यारे नबी अले सलाम फरमांदे ने मलाइका ओ जेड़ा पहला मकान महल बंगला कोठी ओ किदां दा है फरमाया सोनिया ए उन्हां लोगां दा है जेड़े आम मुसलमान कलमा पढ़न वाले लेकिन रब नाल शिरक नहीं करदे ये मकान है उन्हां दा ते या अल्लाह जेड़ा उस तो ज्यादा खूबसूरत वेख्या है। अल्लाह फरमांदे ने ए उन्हां दा मकान है जेड़े मेरे राह विच अपने कले कटा के शहीद हो गए ते या अल्लाह जेड़ा उदों उच्चा वेख्या है जेड़ा बड़ा कमाल ते बड़ा वधिया मकान है। मेरे अल्लाह फरमांदे ने फरमाया सा का मन से लाका ए मेरे प्यारिया ओ मकान असां तेरी जात ले बनाया है ओ मकान असां तेरे ले बनाया है जेड़ा आज तक किसे नू मुयसर नहीं आया किसे वेख्या नहीं ते मेरे मुर्शद फरिश्तियां नू आंदे ने फरमाया ओए फरिश्तियो अगर मैनू इजाजत दो ते मैं वो मकान ते महल जरा अंदर वड़ के वेख लवा ओदा मुशाहदा कर लवा ते फरिश्ते आंदे ने सोणिया नहीं नहीं अजे अल्लाह ने तुहाडी उम्र बाकी रखी है जदों तुसी अपनी सारी उम्र गुजार के आओगे उस वेले अल्लाह तुहानू इस मकान विच ही रखणगे ये बुलंदियां ही अता फरमाणगे वलल आखिरा तो खैरुल्ला का मीना लूला सोने अल्लाह ने तुहाडे अज नालों कल नू बड़ा ही बेहतर बना देता है। और फरमाया उम्मतियो अगर चाहते हो ना सानू भी मुर्शद दे नाल घर मिल जाए अल्लाह दे नबी दा सानू साथ मिल जाए कयामत दे दिन मुर्शद दी शफात मिल जाए प्यारे नबी अलैहि सलातो वसलाम दे नाल अल्लाह सानू भी जन्नत अता कर देवे। फरमाया फिर कोई हाल जे इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। फरमाया मेरे प्यारे नबी दी जात पाक उते दुरूद पढ़दे रहो अल्लाह दियां रहमतां नाज़र होंदियां रहणगियां अल्लाह ज़ुल जलाल तुहाडे ते अपना फजल करदे रहणगे। एक दिन हजरत उबई बिन काब सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अनहो मेरे प्यारे नबी दी खिदमत विच आए इन्ने फजाइल इन्ने मनाकिब सुन सुन के ना प्यारे नबी को आके बह गए ते मेरे प्यारे नबी दी खिदमत विच हाजिर हो के अर्ज करदे ने आका मैं एक मसला पूछन आया। जी मेरे प्यारे सहाबी पूछो मसला की है। अर्ज करदे ने आका सुनिया मैं अपने हक अंदर जदों भी दुआ करना अल्लाह दे नबी तुहाडी जात पाक ते दरूद भी पढ़ना ते मैनू ये दसो दुआ किन्नी करां ते दरूद पाक किन्ना पढ़ा।
मेरे आका फरमांदे ने ए मेरे प्यारे सहाबी ई पुछने मैं दरूद किन्ना पढ़ा ते दुआ किन्नी करा। आमीना दे लाल फरमांदे ने जिन्ना दरूद दरूद ज्यादा पढ़ेगा ओनिया रब दियां रहमतां ते बख्शिशां तेरे ते ज्यादा होणगियां, ओना अल्लाह दा फजल ते रब दे रजा तेरे ते ज्यादा होएगे। सहाबी आंदे ने अच्छा फिर आका मैं इंज कर लैना, एक हिस्सा दरूद ही पढ़दा रवांगा ते दो हिस्से दुआ ही करदा रवांगा। ते मेरे आका फरमांदे ने फा इन ज़िता फहुआ खैरुल्लाका, अगर होर दरूद ज्यादा पढ़ लवे ते तेनू अल्लाह ज्यादा अजर अता करेगा। सहाबी आंदे ने अच्छा फिर आका अद्धी दुआ ते अद्धा दरूद मैं इंज करके तकसीम कर लैना वा। जहाना दे सरदार नबी फरमांदे ने फा इन सिपता फहुआ खैरुल्लाका, अगर होर ज्यादा दरूद पढ़ेगा तेरे लिए ज्यादा बेहतर है। सहाबी आंदे ने आका फिर मैं दो हिस्से दरूद पढ़ांगा, एक हिस्सा अपने लिए दुआ करांगा। ते मेरे आका फरमांदे ने फा इन सिपता फहुआ खैरुल्लाका, मेरे प्यारिया अगर दरूद होर ज्यादा पढ़ेगा ते अल्लाह तेरे वास्ते होर ज्यादा बेहतर कर देवेगा। सहाबी अर्ज करते ने आका फिर मैं सारा दरूद ही पढ़ता रवांगा, सारी दुआ दे अंदर मैं अल्लाह दे नबी दरूद पढ़ता रवांगा। आका फरमांदे ने फा इन ऐसा जो युकफा हमका वा युकफारा लाका जंबोका, आका फरमांदे ने जे सारा वक्त दरूद ही पढ़ता रवेगा ते मेरा रब तेनू बगैर मंगण दे ही अता कर देवेगा। फरमाया तेरी हर जरूरत दरूद ना पूरी हो जाएगी, अल्लाह तेरी दुनिया ते आखरत नू बेहतर कर देंगे। फरमाया जे तू दरूद ही पढ़दा रवेगा अल्लाह दियां तेरे ते रहमतां हुंदियां रहणगियां। हजरा जरा गौर फरमाना, मेरे प्यारे नबी अले सलातो व सलाम फरमांदे ने मन सल्ला अलैया कुल्ला यौमिन सलासा मर्रातिन, फरमाया हुब्बन व शौकन अलैया कान हक कन अल्लाह युगफर लहू सनू बहु तिल का लैला तिन वजाल कल यौम। तरगीब दी रिवायत, मेरे प्यारे नबी फरमांदे ने जेड़ा बंदा दिन वक्त दिन विच तीन वरा, किन्नी वरा बोलो किन्नी वरा, तीन दफा दरूद पाक शौक नाल मुहब्बत नाल पढ़ लवे दिन विच तीन वरां, ये पैकेज मेरे नबी पाक दे फरमान दे मुताबिक तीन वरां जेड़ा खुश नसीब बंदा दरूद पाक पढ़ लैंदा है। मेरे आका फरमांदे ने रब कहंदे ने ओ जा असां तेरे सारे दिन दे गुनाह ही मुआफ कर छड़े ने, सिर्फ तीन वरां। कोई वक्त नहीं लगता, कोई टाइम नहीं लगता, हजरा चल दिया फिर दिया पढ़िया कर अल्लाह हुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आका फरमांदे ने तीन दफा दरूद पाक पढ़न नाल सारे दिन दे गुनाह ही मुआफ हो जाते ने, ते जेड़ा बंदा सौ दफा पढ़ लवे ओदी अजमत ते इज्जत ते शान क्या होएगी। ते फिर मेरे आका फरमांदे ने ए पढ़िया तीन दफा दिने, फिर अपने बिस्तर ते लेट गए, रात छा गई है, हनेरे पै गए ने, ते रात वेले भी तीन दफा पढ़ लिया कर हुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आमीना दे लाल दे सच्ची जबान है, मेरे प्यारे मुर्शद ने इरशाद फरमाया है, प्यारे नबी अले सलातो व सलाम फरमांदे ने फरमाया दुनिया दे लोगों तीन दफा रात नू पढ़ लो ते सारी रात दे गुनाह मुआफ हो जाएंगे। छ
छह दफा दरूद पढ़ नाल चौबीस घंटिया के गुनाह माफ है। नाम मुहम्मद से आया शान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है नाम मुहम्मद से आया शान मुहम्मद, जो शान मुहम्मद है वो शायान मुहम्मद, शाहान जमाना न शाहान जमाना तो क्या है, शाह शाहान जमाना है गुलामान मुहम्मद, होता है वरा फाना लका जिक्रक से ये साबित, होता है वरा फाना लका जिक्रक से ये साबित, खुद रब्बे मुहम्मद है सना खान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मैं दस रहा सा, दिन वेले तीन वरा दरूद, रात वेले तीन वरा दरूद, जेड़ा बंदा पढ़ता है ओदी जिंदगी दे गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर अगर चाहते हो ना कि आमद का दिन होए, हौल नाकिया का दिन है, जो सके मापिया ने छड़ जाना है, भैन भाइयों ने दूर हो जाना है, रिश्ते बरादरियां छड़ जाना है, आमीनम दे लाल फरमाते ने, फरमाया आओ तुहानू उदों भी मैं मुहम्मद नहीं छड़ांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन तरीका अपनाओ, अल्लाह के नबी के तरीका है, आका फरमांदे ने इजा समेतो मुल मुअज्जिन फयकूलो मिसलमा यकूल, आका फरमांदे ने मेरे उम्मतियो जदों अजान हुंदी है ना, अजान इजा समेतो मुल मुअज्जिन फकूलो मिसलमा यकूल, आमीना दे लाल फरमांदे ने जिवें जिवें मुअज्जिन अजान देंदा है नाल नाल तुसी भी वो कलमे दुराया करो, मुअज्जिन आंदा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फरमाया सुन वाले नु भी चाहिए आखे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन आखे शहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, सुन वाला आखे शहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मुअज्जिन आखे शहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सुन वाला भी ए होए कलमे आके, मुअज्जिन आखे हय्या लस्सलाह, सुन वाला आखे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुअज्जिन आखे हय्या लल फलाह, सुन वाला आखे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आमीना ते लाल फरमांदे ने सारी अज़ाम दा जवाब देवे, और फरमाया फिर की करे, सुम्मा सल्लो अलैया, फिर मेरी जात पाक उते दुरूद पड़े, की करे अज़ाम दा जवाब दे के नाल मेरी जात ते दुरूद पड़े, और मेरे आका फरमांदे ने हल्लत लहू शिफा आते यौमल क़यामा, जेड़ा बंदा रूटीन नाल मुअज्जिन दी अज़ाम दा जवाब देंदा है ते मेरे आका फरमांदे ने मेरी जात ते दुरूद पाक पढ़दा है, आका फरमांदे ने हल्लत लहू शिफा आते यौमल क़यामा, मेरे प्यारे नबी फरमांदे ने क़यामत दे दिन मेरी सिफारिश ओदे वास्ते अल्लाह ने हलाल कर छड़ी है, यानी मैं उदी सिफारिश जरूर करांगा, मैं उदी सिफारिश जरूर करांगा। और प्यारे नबी अले सलातो वसलाम फरमांदे ने याद रखे जे जेड़ा बंदा दरूद पढ़ना भुल गया, फरमाया समझा जो जन्नत राह ही भुल गया। और मेरे प्यारे नबी फरमांदे ने जेड़ी मजलस ते महफल विच बैंदे हो, फरमाया उन्नी देर तक उठिया ना करो जिन्नी देर तक मेरी जात पाक ते दरूद न पढ़ लो, फरमाने ते की होएगा कयामत दा दिन होएगा, जगह दे पीर फरमाते ने ओही मजलस ओदे वास्ते कयामत दे दिन अफसोस ते हसरत बन जाएगी, वो आखेगा काश मैं उदों दरूद पाक हजूर दी जात ते पढ़ लेंदा, अज मेरे ते अल्लाह दियां रहमतां हुंदियां। और मेरे प्यारे नबी अले सलाम फरमाते ने, फरमाया जेड़े दो दोस्त आपस में मिलते ने ते जदों ही मिलते ने उन्नी देर तक जुदा नहीं होंगे जिन्नी देर तक मेरी जात ते दरूद नहीं पढ़ते, फरमाया एदा सिला एदा नतीजा सारा मैदान माशर वेखेगा अल्लाह उन्होंने केड़िया इज्जत अता करे। और मेरे प्यारे नबी अले सलाम दे सहाबे हजरत अली बयान करते ने, अल्लाह के नबी फरमाते ने
البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليا مسند احمد دی روایت ہے حضرت علی بیان کرتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا میری امت دا سب تو بخیل وہ بندہ ہے جیدے سامنے میرا نام لیا جائے تے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے بخیل ہو نہیں جیڑا مال نہیں خرچ کرتا بلکہ بخیل ہوئے جیڑا میرا نام لے کے درود پاک نہیں پڑھتا او بخیل بھی ہے لانتی بھی ہے نبی پاک دا نام آئے تے کی کہنا صلی اللہ ہو محبت نہ سارے کہو صلی اللہ ہو او جو نام نبی دا سن کر او جو نام نبی دا سن کر تے نہیں درود پہچاندے ملک نورانی حق او نام دے اے دعا فرماؤں دے او درود نا پڑھن والیا اللہ نہ بخشے جنت تینو اللہ نہ بخشے جنت تینو نہ تو رحمت پاوے تے جنت ہوئے حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے تے او جو نام نبی دا سن کر ہین درود پچان دے ملک نورانی حق او نام دے اے دعا فرمان دے اللہ بخشے جنت تینو آمین کہہ دیو او اچھی کہہ دیو آمین اللہ بخش درود پڑھن والے اللہ بخشے جنت تینو تے نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکہ وچ دربار الہی میرے پیارے نبی فرمان دینے جیڑا بندہ دعا کر دے تے نبی پاک دی ذات درود نہیں پڑھ دا دعا کر دے اللہ میرے گناہ معاف کر میرے تے رحمت کر فضل کر دعا کر دے تے پیارے نبی فرما دینے میری ذات درود نہیں پڑھ دا اللہ دینے اسی تیری دعا کو نہیں قبول کرنی تو ساڑے نبی دی ذات درود نہیں پڑھے اسی تیری دعا منظور ہی نہیں کرنی بلکہ حدیث وچ لفظ نے زمین آسمان دے درمیان او دی دعا لٹکی ہوئی رہن دیئے اللہ او دی دعا نو قبول نہیں کر دے تے فرمایا جیڑا نصیبہ والا میرے پیارے نبی تشریف لے ایک بندہ دعا کرن دے اللہم اغفر لے زمبی ورفا درجاتی اللہ میرے گناہ معاف کر دے میرے درجے نبی پاک فرما دے نے تینوں بڑی جلدی یہ خیر تے ہے فرماو کو دعا دا طریقہ سکھ کوئی دعا دا انداز اپنا حضور دعا ہی کرن دیا فرمایا نہیں نہیں فرمایا دعا کرن دا طریقہ اے وے پہلا اپنے اللہ دی حمد سنا بیان کر کی کر اللہ تعالیٰ دی حمد و سنا بیان کر اور اللہ دی حمد و سنا وے سب تو زیادہ جامع قرآن دی سورت دعا کرن لگیاں پڑیا کرو کل ہو اللہ ہو احد اللہ ہو سمد لمیاں لید و لمیو لد و لمیاں کلہو کفوان احد اے اللہ تعالیٰ دی حمد و سنا ویے اے دیوچ اللہ دی تعریف ویے اللہ دی بڑائی تے بزرگی ویے حضرات اے ساری جڑی میرے پیارے نبی نے طریقہ دسیا فرمایا پہلے اے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ پہلے اللہ دی حمد و ثنا تے پھر فرمایا پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے درود پاک پڑھ کے فرمایا پھر اپنے حق وے جیڑی بھی دعا کرو گے اللہ قدے بھی رد نہیں کرنگے
असी जड़ा बड़िया दुआवां करने साड़ी कबूल ही नहीं होंदी, साड़ा अंदाज ही सुन्नत के मुताबिक नहीं। अगर साड़ा तरीका सुन्नत के मुताबिक होए आज ही करके वे अल्लाह तेरी दुआवां नूं शर्फे कबूलियत अता करनगे। क्यों ना होए प्यारे नबी अलैहि सलाम तशरीफ फरमा, हजरत रसूले करीम दे सहाबी कहंदे ने एक दिन ना गालबन काब बिन उजरा नबी पाक अलैहि सलाम ने सहाबा नूं मस्जिद इकट्ठे हो जाओ, मस्जिद सहाबा मस्जिद नबी वे जमा हो गए, वाहवा सहाबा बैठे ने, प्यारे नबी तशरीफ ले आए, खुतबा देन लगे आ, पहले मिंबर दी सीढ़ी ते कदम रखे आ, फरमाया आ आमीन, दूजी ते कदम रखे आमीन, तीजी ते कदम रखे। सियाबी आंदे ने आका अज अजीब तरीका है, पहले अज तक तुसा कदी इंज नहीं कीता जिमें अज होया। प्यारे नबी फरमांदे ने मैं दसना जी आका, फरमाया मैं जदों मिंबर दी पहली सीढ़ी ते कदम रखे ते आमीन आखे है, फरमाया जिबरील आए सन, सैयदुल मलाका आए सन, आके अर्ज कर देने आका जिन्ने अपनी जिंदगी विच रमजान दा महीना पा लिया ते सेहतमंद होया, बाशऊर होया, समझदार होया, रोजे रख के जिन्हें अल्लाह को माफी नहीं मंगी अल्लाह दी ओदे ते लानत होवे, फरिश्तियां दी लानत होवे, ते मेरे आका फरमांदे ने मैं आखिया आमीन ओदे ते मेरी मुहम्मद दी भी लानत होवे। हजूर दूजी सीढ़ी ते आका फरमांदे ने जिबरील ने मैनू दस्या, फरमाया जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी अंदर अपने बुढ़े मापिया विचों एक नू या दुवां नू पा लैंदा, उन्हां दे खिदमत करके रब कोलों जन्नत हासिल नहीं कर लैंदा, उहदे ते रब दी वी लानत, फरिश्तियां दी वी लानत, ते मेरी जिबरील दी वी लानत। आका फरमांदे ने मैं क्या आमीन उहदे ते मेरी मुहम्मद दी वी लानत। आका तीजी सीढ़ी ते प्यारे नबी फरमाते ने जदों तीजी सीढ़ी ते कदम रखे आ ते मैनू जिबरील ने कहा सोनिया जिदे सामने तुहाडा नाम पाक लिया जाए ते तुहाडा नाम पाक सुन के तुहाडी जात ते दरूद ना पड़े ओदे ते अल्लाह दी वी लानत, फरिश्तियां दी वी लानत, ते मेरी जिबरील दी वी लानत। आका फरमांदे ने प्यारिया मैं आखिया आमीन ओदे ते मुहम्मद दी वी लानत। हजरात इस वास्ते जदों मेरे नबी दा नाम आए की कहने सल्लल्लाहो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस वात एक अकीदत मंद ने गल बड़ी कमाल कीती है कि प्यारे नबी ते रब दियां रहमतां अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने, अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने, नबियां तो वकरा इशान है पाया सुल्तान ने, आज घर घर विच पहुंचे है वेखो नाम सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ने जहान ने, नबियां तो वकर इशान है पाया सुल्तान ने, घर घर विच पहुंचे वेखो अज नाम सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए अफजल ते आला जेड़ा, असी एवें नहीं आंदे कायनात दे इमाम ते दुरूद पढ़ो, अफजल ते आला जेड़ा सारी खुदाई ती थम हनाना रुला जिस दे जुदाई ती, काफ
रामी कलमा पढ़िया ए दिल दे सफाई थी। इसम के रामी जिसदा अज विरद संसार दा नाम मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते मेरे खालिक ने कमाल गल बयान फरमाई इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह सही माने अंदर सानू अपने प्यारे नबी दी जात पाक नू और हजूर दे मुकाम नू अल्लाह पहचानन दी तौफीक अता फरमाए। सदकल्लाहुल अलीउल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबीउल करीम व नहनु अला ज़ालिक मिन अश्शाहिदीन व शाकिरीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।